प्रोत प्रोत परमात्मा समाया हुआ है, पर हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि यहाँ परमात्मा को पकड़ ले। तो क्या करना चाहिए? जैसे दूध को पकड़ने के लिए गाय को चारा खिलाया, चारा में ही है दूध, तो पर गाय ने चारा खाया और दूध बन गया। तो ऐसा कोई न कोई परमात्मा को पाने का तरीका होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं तो वैसे वासुदेव सा सर्वमिति सहमात्मा अति दुर्लभ, सब जगह परमात्मा को देखने वाला महात्मा दुर्लभ है, पर मैं इससे सबसे सरल तरीका बता देता हूँ मेरे को पाने का। बोला कौन सा तरीका? अयम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता स्थिता, ये अर्जुन मैं प्राणी प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता हूँ, अगर मेरे को विशेष तौर से जानना चाहे तो हृदय मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। दूध को वहां नहीं प्राप्त कर सकते चारा से डायरेक्ट आप, पर गाय के पेट से प्राप्त कर सकते हो खिला करके। ऐसे परमात्मा को पाना चाहो तो हृदय मंदिर में आ जाओ, किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में आ करके उस परमात्मा को पाने का सीधा हृदय में तरीका। इसी को कबीर दास जी की भाषा में सुन लो, उन्होंने मारवाड़ी भाषा देसी भाषा में वही बात कह दी। अगर उपनिषद की बात सुनना चाहते हो तो उपनिषद के मंत्र में श्वेता सर उपनिषद मंत्र 11 में ये बात आई। अगर कोई इस बात को नकारता है तो उसका प्रमाण है श्वेता सर उपनिषद मंत्र 11, उसमें लिखा एको देवो सर्वभूतेषु गुडाहा सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा कर्माध्यक्षो सर्वभूता आदिवास साक्षी चेतहा केवलो निर्गुणश्चः। ये बड़े बड़े ग्रंथों का प्रमाण उन भंधों के समझ में नहीं आता, ग्रंथों का रहस्य क्या है, और वो लोग भेद भक्ति में पड़े हुए। तो ये भेद भक्ति जब तक रहेगी परमात्मा से मिलना कभी नहीं होगा, वो भ्रम में उसकी जिंदगी जीता रहेगा। वो भ्रम से मानता रहे भगवान सब जगह, पर उन्होंने कभी भगवान को न तो देखा ना उसकी जिंदगी में देख पाएगा। जब तक सच्चे गुरु की शरण में नहीं जाएगा वो, तब तक परमात्मा का दीदार होगा ही नहीं। इसीलिए चार दोषों को छोड़ने के बाद ही आत्मज्ञान होगा और ये सड़क परमात्मा तक जाती है। इस सड़क को प्राप्त करने के लिए क्या है? चार दोष मैंने बताए, कौन कौन सा? विषयों में आ सकती, भेदवादी पामर पुरुषों का संग के संस्कार छोड़ने योग्य, और तीसरा है बुद्धि की मंदता, जिसकी बहुत मोटी बुद्धि हो उसकी भी बस की बात नहीं, वो भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। और जिसका खतरनाक प्रारब्ध हो, माने दूसरा जन्म देने वाला प्रारब्ध हो, ये चार दोष जिस आदमी में होगा वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये शास्त्रों की घोषणा। तो अगर वो भी तो कम से कम इंसान को पुरुष अत्याजी तो ये हो गए। मान लो किसी ने शंका की, अरे भगवान ये चारों ही हमारे अंदर है, पर हमारी इच्छा ये है कि हम भगवान को भी पावे। ये चारों दोष हमारे अंदर है पर हमारी ये इच्छा है कि हम भगवान को भी पावे, तो इसका कोई उपाय तो होगा? अरे तो भाई इसका यही उपाय है कि ये जो विषयों में आसक्ति है ना, इसको तो आप सत्संग के माध्यम से वैराग्य को प्राप्त करो। वैराग्य से ये आसक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। और ये जो भेदवादी लोग हैं, ये अद्वैतवादी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की सेवा करने से दूर हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आपका मन उनमें लग जाएगा। तो ये धीरे धीरे एक भेदवादी का संग करो और 100 बारी अद्वैतवादी महात्मा का सत्संग सुनो, जब जाकर के उस भेदवादी के संस्कार दूर होंगे। एक बारी सुन लो ऐसे महापुरुषों का सत्संग, एक बारी उनके संस्कार आपके कोमल हृदय में प्रवेश कर गए, तो 100 बारी अद्वैतवादी महात्मा आपको कहेगा कि आत्मा परमात्मा एक है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते कहते मर गए, अरे आत्मा सो ही परमात्मा, मगर उन भोंदों के अभी तक ये भी समझ में नहीं आया। ये तो मैंने उपनिषदों में पढ़ा, पर इनसे पहले बड़े बूढ़े लोगों से मैं ये सुनता आया हूँ कि आत्मा सो ही परमात्मा। वो रही से नहीं जानते थे कि आत्मा परमात्मा है, हाँ जरूर करते थे कि आत्मा परमात्मा है, मगर बाद में जब मैंने उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, तो बाद में ये रही से खुला कि हमारा तो यहाँ भारत भूमि ऐसी पुण्यवान भूमि है कि हमारे तो बड़े बुजुर्ग लोग भी उपनिषद के वाक्य बोला करते हैं, पर हमारा भाग्य कहाँ इतना कि उनके वाक्यों पे विश्वास करे। ईसावासी सबसे ईसावासी उपनिषद सबसे पहला उपनिषद है। 1180 कुल हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने उपनिषदें बनाई, उनमें से और तो प्राय लुप्त सी हो गई।
188 के लमसम अभी मौजूद है, उनमें से अभी 108 पर कुछ लोगों को उनका मिला है और 11 पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है। 11 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है। ऐसे भारत भूमि में ये ऐसा खजाना, ऐसी निधि है, और फिर भी इस अद्वैत ज्ञान को ना समझे, बताइए इस भारत का दुर्भाग्य या सौभाग्य। ब्रह्म विद्या के संस्कार तो ऐसे हैं, अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं जानता है पर ये जानता आत्मा परमात्मा ये की है, ऐसा एक पल के लिए भी अगर उसका विचार हो जाता तो अप्रोक्ष अनुभूति में ये लिखा है, करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ कर दिया, इतना पुण्य मिलता है उसको। कितना पुण्य मिलता है, ये मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्रों का प्रमाण है। अगर कोई इंसान ये मान ले कि आत्मा परमात्मा है, एक पल के लिए, एक पल में 4 सेकंड होती है, अगर इतना सा भी कोई आदमी मान ले आत्मा परमात्मा का ही रूप है, आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य जो मिलता वो उस इंसान को मिलेगा। और जो इतनी एक पल के लिए इंसान ये मानता मैं शरीर हूं, मैं जाति वाला हूं, मैं इतना बड़ा हूं या विद्वान हूं, जो भी अगर देखो लेकर अभिमान करता है तो करोड़ों करोड़ों गायों का वध कर दिया, इतना पाप लगता है, ये शास्त्र में लिखा है। अब सारे समय तो यही भाव रहता है आदमी में, बताइए अब आदमी सुखी होगा कैसे, क्योंकि पाप तो पूरे समय में वो बढ़ाता ही रहता है। भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, मेरे पास इतना वैभव है, मैं इतने अच्छे कुल से हूँ। अरे तू सारे दिन इस पाप ही पाप का बोझा ढोने में क्यों रहता है, तेरे स्वरूप में ये बात नहीं है, तू तो शुद्ध आत्मा है। शरीर को लेकर कोई अभिमान करे, शरीर का काला गोरा जो भी कपड़ा है, ये कपड़े को लेकर आदमी कहे मैं एक कपड़ा हूँ जैसा ही बन गया, अरे तुम कितने बड़े मामूर्ख हो, ये तुम्हारा कपड़ा है, तुम नहीं हो, देखो तुम्हें मानता, ये सबसे बड़ा पाप है, और पाप इनके बेटे, ये तो सबों का बाप है, देखो मैं मान करके बंदी बंदा आप था, जो चेतन है जो शाश्वत है वो तो सदाई निष्पाप, उस पर कोई विचार नहीं करता। जैसे इंसान शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ऐसे ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चल जाती है, पर शरीर आत्मा नहीं है, यही पहला विवेक है, और ये सत्संग के बिना नहीं होता, इसीलिए सबसे पहला रास्ता सत्संग है, और सत्संग से ज्ञान पैदा होता है, और ये ज्ञान है ना ये परमात्मा तक जाता है, ये आपकी जीवन रूपी रेल को चलाने का रास्ता है। चालो तो रेल खड़ी है, किनको जाना आत्म धाम, ज्ञान ध्यान की सड़क बनाई, जा आत्म ता जाई भिड़ाई है, केवल से तार किराए के पूरब से आन भिड़ी है। आपका पुरने पुरबला अच्छा था, भगवान की कृपा हुई, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, भगवान की कृपा थी कि मनुष्य का शरीर मिल गया। क्यों, पशु पे तो गुरुजी भी कृपा नहीं करते, कुत्ते को तो जाकर के गुरुजी भी ज्ञान नहीं देते, इंसान को ही कहेंगे रे तू मनुष्य है थोड़ा आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। तो जहां पे कृपा राम की हुई तहां पे कृपा करे सब कोई, भगवान की कृपा हो गई इसलिए मनुष्य का शरीर मिल गया। अब तो छाए जो कह रहे तो आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले, इसीलिए ये मनुष्य का सब मम पीरिय सब मम उपजाई सबसे अधिक मनुज मोको भाई। लक्ष्मण जी के प्रति कह रहे हैं राम जी, रामायण की बात है, सब मेरे को प्रिय है, सबको मैंने ही पैदा किया है, पर इन सब में भी जो सबसे ज्यादा प्रिय है ना मनुष्य है। क्यों मनुष्य है, क्यों इनमें समझने की शक्ति है, नहीं तो खाना पीना तो पशु भी करता है, बच्चे बच्ची पैदा पशु भी करता है, निंद्रा उसको भी आती है, भय पशु को भी लगता है, इंसान को भी ये चारों बातें होती है, पर तो फिर इंसान में अधिक क्या है, इंसान में अधिक यह है कि विवेक के द्वारा ये भगवान को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, इसीलिए भगवान को प्यारा है यह, हाँ? और यही जीवन रूपी ट्रेन आपकी परमात्मा तक ले जाती है जीवन, इसीलिए मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त कर। अच्छा जी एक बात बताओ, आपने ये सड़क तो बता दी, अजी कम से कम इसमें ये पहिए वहिए होते हैं ट्रेन में, तो ये भी तो कम से कम बताओ तुम्हारी जीवन रूपी ट्रेन के पहिए क्या है, तो यहाँ वर्णन कर दिया आगे, पांचों तत्व का पांचों पहिया, अब कुछ देर करो मत भैया,
पांच तत्व कौन कौन सा? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये हमारे शरीर में एक मिनट एक घंटे में पांचों तत्वों की आवृत्ति हो जाती है। आकाश तत्व 4 मिनट चलता है और आकाश के बाद में वायु तत्व 8 मिनट चलता है, आयु के बाद 12 मिनट जो है अग्नि तत्व चलता है और 16 मिनट जो पृथ्वी तत्व चलता है और 20 मिनट जो है जल तत्व चलता है। कुल कितने हो गए मिला करके? ये घंटा हो गया। ये पांचों तत्व श्वास में आते जाते रहते हैं और ये एक प्रकार का पहिया है, क्योंकि पूरी आयु खत्म होगी ट्रेन रुक जाएगी वहीं जाकर, जहां पूरे पांचों तत्वों के द्वारा ये हमारी आयु चलते चलते चलते, अगर जिस दिन पूरी आयु हो गई ट्रेन भाई वहीं रोक दो। पांचों तत्वों के पांचों पहिया, अब कुछ देर करो मत भैया, ये तो चालू ही रहता है, ये पहिए तो कभी रुकते ही नहीं। जब से इंसान का जन्म हुआ, मनुष्य जन्म जब से ये जीवन धारण किया, तभी से ये पांचों तत्व रूपी पहिया चालू हो गया। अब इसमें कोई बैठना चाहे तो समझदारी के द्वारा भगवान तक जा सकता है, नहीं तो उसकी मर्जी। पांचों तत्वों को पांचों पहिया, अब कुछ देर करो मत भैया। हाँ क्या है? अरे जल्दी हो होशियार, गुरगम से रेल गुड़ी है। जल्दी हो होशियार, गुरगम से रेल गुड़ी है। समझदारी के द्वारा जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो बैठे रहो। हैं? अच्छा जी आ गए। अच्छा जी इसका पूरा विवरण तो करो, कम से कम कितने डब्बे हैं इसमें, क्या लबड़ा जबड़ा, ये तो कम से कम बताओ। अरे तो नो तो इसमें डब्बा कही है, 10वां इंजन गुप्त रही है। नो तो इसमें डब्बे कई, नो द्वार खुले हैं, नो तो नौ के द्वार हो गए, नौ डब्बों के, नो तो इसके डिब्बे कही है, 10वां ये जो 10वां इंजन गुप्त रही है बंद है, ये 10वां द्वार बोलते हैं, तो 9 द्वार खुले और 10वां बंद, तो 9 तो इसमें डब्बे कही है, 10वां इंजन गुप्त रही है। लेवो नोकल नाम धराई के कारीगर खूब घड़ी है। नाव भी कुछ भी रख देते हैं, असली नाम नहीं है। इस शरीर का कई बारी नाम परिवर्तन हुआ, बदल गया, फिर बदल दिया, फिर बदलते रहे और पूरी जिंदगी भर बदलते रहे। इसको पहले अगर बाजा नाम नहीं देते और नाम दे देते तो आज उसी नाम से जानते। इसका माइक रख दिया, लोग सब माइक के नाम से ही जानते हैं। अगर